सैयद असगर अली जी, कोई एक ऐसा संदेश, देखिए गुस्सा आपका अपनी जगह जायज है क्योंकि एक तरफ जब इस तरीके के आयोजन होंगे और दूसरी तरफ आपको आस्था से रोका जाएगा तो गुस्सा होना लाजमी है, उसमें आप भी गुस्सा हो सकते हैं, मैं भी गुस्सा हूं, सबके अंदर ये कुंठा है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आमंत्रण दे दे खुलकर, नहीं नहीं कि नहीं वहां हो रहा है हम भी करेंगे, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा मतलब नहीं ले। मैं तो साफ ये बात कह रहा हूँ कि इस पवित्र महीने की सब जो है इसके इसकी वो करें, रखवाली करें, खासकर मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि वो इबादत करें, इबादत का पूरा लुत्फ़ उठाएं, मुल्क के लिए दुआ करें, तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें, हो सकता है इस बाबरकत महीने के ज़रिए से, आपकी इबादतों के ज़रिए से ये कोरोना महामारी से हम निकल सकें, और जितने भी संसाधन जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार हमें गाइडलाइन दे रही है हमें वो सब इस्तेमाल करना है, हम करते रहें और आगे भी करते रहेंगे, गवर्नमेंट को के आदेश को फॉलो करते रहेंगे, लेकिन यह है कि आप इबादतें ना छोड़ें, जहां कहीं भी हो रोज़ा भी रखें और ईश्वर को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बीमारी ईश्वर की तरफ से है, ईश्वर राज़ी होगा तभी ये बीमारी जाएगी।